Hello everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, as per a special request in one of the comments which I checked, in one of the comments it was asked ki, please explain this one particular DM decision making set of SAT 2020. So that is why I'm jumping the gun a little bit. Instead of going in a reverse chronological manner, after doing some DM questions of SAT 23, I'm now jumping and making this SAT 2020 particular DM set. And it was a good one, so I thought, chalo, why not? Why not? So without any delay, let's see what the question set was. Theek hai. As usual, I would recommend ki agar aapko khud se pehle solve karna hai, so start a timer of your own and use the timestamps in the description box to go to each of the three questions and then come back to this point and check your answer. Theek hai. So chalo, DM set dekhte hai, kya diya hai? Jo shuruati main fixed data hai, that is very actually straightforward. Another very good thing about this DM set is no numbers. ओके okay, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए कि कब क्या करना चाहिए. ओके एंड द कॉन्टेक्स्ट इज देर आर थ्री इंटर्न्स वर्किंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस. ओके दे आर नॉट फुल टाइम एम्प्लॉयज, दे आर इंटर्न्स, बट ओके स्टिल दिस इज फॉर्मल एंगेजमेंट, एक फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है ये, एम्प्लॉयमेंट नहीं बोल सकते, बट येस समथिंग वेरी लीगल एंड हेंस पर्टिकुलर जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वेन एवर ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय सम पीपल इन देयर. ठीक है, तो एम्प्लॉय का मीनिंग यहाँ पर टिपिकल एम्प्लॉय नहीं होता, इंटर्न्स के ऊपर में भी काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बाइंडिंग. तो इन सच केसेस नंबर वन जो होती है चीज है व्हाट टेक्स प्रिसिडेंस ओवर यू नो अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, या फिर कभी भी आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट्स है तो व्हाट मैटर्स अ लॉट इज एथिक्स. ओके ऑल्सो कीपिंग द डेकोरम ऑफ द वर्क प्लेस, तो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एज मच एज पॉसिबल. कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, ऐसा नहीं है कि आपके बॉस ने जो बोल दिया आपको सबके सब बातों से अग्री करना है. व्हेन आई मीन कॉन्फ्लिक्ट्स इज कि एक्चुअल पावर स्ट्रगल स्टार्ट नहीं करना है आपको किसी भी कंपनी में. इफ समबडी हैज एन अपोजिट ओपिनियन ऑफ अस, तो द सोल्यूशन टू दैट इज नॉट फाइटिंग ईच अदर टू डेथ. द सोल्यूशन इज ट्राइंग टू सिट डाउन, ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ रेलिवेंट अथॉरिटी एक्ट एज एन इंटरमीडियरी एंड देन वर्क योर वे फॉरवर्ड. ठीक है, आपको पावर स्ट्रगल शुरू नहीं करना है वर्क प्लेस में. ओके सो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको आप अवॉइड पॉलिटिक्स भी बोल सकते हो. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू एनी काइंड ऑफ यू नो गॉसिप बिहाइंड समवन्स बैक, नो काइंड ऑफ बिचिंग, नो गॉसिपिंग वगैरह वगैरह. सो द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑफ, बट ब्रॉड ब्रॉड कैटेगरीज इज दिस कि एथिक्स को फॉलो करना है. यू आर नॉट टू डू एनीथिंग अनलॉफुल, इलीगल, दैट इन्वॉल्व्स नॉट लीकिंग पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक है, अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है या कहीं पे अगर आपने काम भी किया है, फिर एन एम्प्लॉय समवेयर, तो रीड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट. उसके अंदर हर कंपनी एक क्लॉज डालती है दैट जो भी प्रोजेक्ट, जो भी चीज के ऊपर में आप काम कर रहे हो, यू आर नॉट टू रिवील इट टू द वर्ल्ड आउटसाइड, लीस्ट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, तो इस तरीके का और बड़ा सारा लिस्ट बन सकता है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा वगैरह वगैरह, बट ठीक है, लेट्स सी विदाउट गेटिंग इन टू दैट वेरी एग्जॉस्टिव लिस्ट, टेक अ लुक एट व्हाट द सिचुएशन इज. So you have three girls over here, jo preferably I think they are pursuing their MBA, B school diya gaya hai, and they are interning at a software organization. And each of them has been allotted a particular project depending on their area of specialization. Theek hai. So maybe Vindhya is a marketing person, Shabnam is an HR person, Amla is somebody else. So inke department ke hisab se inko company mein bhi waise role hai. And also very good news that they have been informed that if you do well, then a PPO is also on the table. Theek hai? Something very very desirable, सभी को चाहिए होता है. चलो and definitely they are eager to convert this into a PPO and each of them has been assigned a mentor. ठीक है, HR head को तो चलो इनको report करना ही करना है, but साथ ही साथ इनके project में they are not working like a lone wolf, they are also working under the supervision of a mentor. ठीक है, अब particular तीनों लड़कियों के, तीनों girls के तीन situation हमारे सामने painted है. Question number one देखें, I'll clean the screen over here first. Okay, let's read the question in parallel. Second week of the 8-week internship. ठीक है, दो महीने के अंदर दूसरे हफ्ते में एक संकट आ गया. क्या आया जी? Okay. Amla realizes कि जो प्रोजेक्ट उसे मिला है, that requires inputs from particular subjects जो उनके academics में थे, in the third trimester of her B school program that she is attending. Okay. लेकिन उस subject में, sorry, उस semester में Amla was busy with the sports gathering in the college. So, भाई पढ़ाई ठीक से हुई नहीं थी, हम तो extra curricular activity में busy थे. And as luck would have it, बराबर उस semester के कोई तो एक subject का काम आ गया project में. तो question पूछा गया है,
वॉट इज नाउ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे फॉरवर्ड फॉर अ ब्लड। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए यहाँ पे। ऑल्दो द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अमला, ओके, डजंट मीन दैट वॉट एवर एक्शन यू टेक इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अमला बट एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। नो, एब्सोल्यूट बिग नो टू दैट। ठीक है, तो इवन दो द क्वेश्चन माइट नॉट बी स्पेसिफाइंग सुपर फाइन एक्सप्लिसिटली कि बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर अमला एंड बेस्ट वे फॉर द कंपनी, बेस्ट वे फॉर द प्रोजेक्ट, ये चीजें आपको समझ के लेनी। ठीक है, ओनली इफ यू हैव अ वेरी यू नो कपटी दिमाग होगा ना आपका, संकट क्रिएट करने वाला, तो आप इस लाइन के अलॉन्ग सोच सकते हो। तो यू नो एज अ प्रिवेंशन वाला सिचुएशन आई मेंशन कि नहीं करना है जी ऐसा। ठीक है, चलो ऑल राइट, क्या क्या कर सकती है अमला, अलग अलग ऑप्शन है हमारे सामने। माई स्ट्रगल विद द अप्रोप्रिएट कलर कंटिन्यूज टू दिस डे, लेट्स टेक अ लुक एट ऑप्शन ए। अमला शुड सी शबनम सेल, अरे हु परफॉर्म वेल इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। भाई ये क्या जोक लगा रखा है, जस्ट बिकॉज दे आर इंटर्निंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन डजेंट मीन कि एक इंटर्न दूसरे किसी और इंटर्न को इतना इजीली हेल्प मांग ले। ठीक है, वंस अ डे कोई हेल्प अगर चाहिए कि भाई कोई छोटे मोटे काम में असिस्ट कर दो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर अमला का पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट ही टेक्निकली पूरा वीक है और उस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन करना है इस प्रोजेक्ट में, तो इतना इजीली शी के नॉट आउटसोर्स स्टफ ना कि अरे आ जा यार प्लीज हेल्प कर दे। शबनम खाली थोड़ी, शबनम इज नॉट जॉबलेस, शबनम हैज अर ओन प्रोजेक्ट टू टेक हैंडल यू नो। सेकेंडली ऑप्शन ए इज अज्यूमिंग दैट अमला एंड शबनम बोथ हैड द सेम सब्जेक्ट इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। हमें यहाँ पर दिया गया है कि बेस्ड ऑन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दीज थ्री गर्ल्स हैव बीन गिवन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। वॉट इफ इट टर्न्स आउट दैट अमला एंड शबनम दे वर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो इवन दो शबनम डिड वेल इन हर थर्ड ट्राइमेस्टर शी नेवर गॉट टू स्टडी द सब्जेक्ट विच अमला वॉन्ट्स हेल्प इन, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दीज टू थ्री रीजन्स एंड ऑल्सो नहीं मतलब पूरे इतने बड़े प्रोजेक्ट में यू आर सिंपली आस्किंग समबडीज हेल्प विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द डिमांड एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन द अदर इंडिविजुअल। शबनम खुद का प्रोजेक्ट करेगी अच्छे से, खुद का पीपीओ की तरफ ध्यान देगी या दूसरों को हेल्प करते रहेगी। वेरी वेरी पुअर, वेरी पुअर ऑप्शन, नॉट टू बी डन। इवन इफ शब्दम हैड द सब्जेक्ट, इवन इफ शी इज वेरी गुड एट इट, इवन देन द ऑप्शन रिमेन्स वेरी पुअर। ठीक है, ऑल राइट, ऑप्शन बी भाई साहब ये हॉरिबल है, यू आर नॉट टू डू थिंग्स लाइक दिस इन द वर्क प्लेस। क्या बोला है कि भाई समझ तो गया यार, चल पीपीओ तो मिलने से रहा, तो आप क्या कर रहे हो, आप भाई दलाल बन चुके हो, सॉरी माय बैड नॉट दलाल, समबडी बट हु गोज अराउंड नेटवर्किंग यू नो, ब्रोकर्स डू दैट, तो कहीं ना कहीं मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया, प्लीज पार्डन माय लैंग्वेज, बट हाँ यू यू फोकस ऑन नेटवर्किंग, यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, इससे बातचीत हो रही है, इसके साथ चाय सुट्टा चल रहा है आपका, दिस इज नॉट एट ऑल ओके। ठीक है, तो अमला यहाँ पर ना के शॉर्टकमिंग को एड्रेस कर रही है एंड नाइदर इज शी डूइंग एनीथिंग विच बेनिफिट्स द प्रोजेक्ट विच बेनिफिट्स द कंपनी, सभी को नुकसान पहुंचा रही है। शी हैज डैमेज्ड हर ओन चांसेस एनी वे, इफ शी डज बी शी इज ऑल्सो डैमेजिंग कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स। वेरी हॉरिबल ऑप्शन, विन विन ढूंढना है हमने तो, बट ये ऑप्शन तो लूज लूज है, आउट। ठीक है, सी अमला शुड डिस्क्लोज टू द मेंटर हर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायर्ड इनपुट्स, ओके, एंड सी इज सजेशन, फेयरली रीजनेबल। ठीक है, तो ये ऑप्शन पढ़ने के बाद में कुछ लोगों के मन में आ सकता होगा कि यार इतने जल्दी थोड़ी बता देते हैं बॉस को, अरे मुझे ये नहीं आता, कुछ और नहीं करेंगे क्या। ठीक है, आइडियली स्पीकिंग ये जो सिचुएशन हमें पेंटेड है इन द क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज दैट अमला यू नो गेट्स डाउन टू बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ठीक है भाई, कॉलेज के वो ट्राइमेस्टर में हमारा वो सब्जेक्ट वीक रह गया था, बट शी माइट हैव द मटेरियल विथ हर, पीडीएफ्स बोलो, बुक्स बोलो, टेक्स्ट बुक्स बोलो, लेक्चर्स का एक्सेस बोलो, वॉट एवर, बैठेगी रातों रात पढ़ेगी और फिर उसको अप्लाई करना स्टार्ट करेगी प्रोजेक्ट में। तो ये एक आइडियल सिनेरियो होगा, बट समझ के चलो कि ऐसी बात नहीं पॉसिबल हो रही, मे बी शी डजंट गेट इनफ टाइम और मे बी द सब्जेक्ट इज रिडिकुलसली डिफिकल्ट, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हाँ जी देन ऑप्शन सी इज फेयरली रीजनेबल कि हो सकता है डांट पड़े आपको आपके मेंटोर से, विच इज ऑफ कोर्स नॉट समथिंग वेरी पॉजिटिव, बट आइडियली स्पीकिंग प्रैग्मेटिकली इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश यू शुड ट्राई टू एड्रेस द सिचुएशन, यू शुड फेस द म्यूजिक एज इट इज, ओके। सो ऑल्दो नॉट दी बेस्ट अल्टीमेट नहीं है ये ऑप्शन, बट आउट ऑफ द गिवन फाइव सीन्स फेयरली रीजनेबल, ओके। प्लीज कीप इन माइंड आई एम नॉट सिलेक्टिंग द ऑप्शन ब्लाइंडली, बट कीपिंग इट ऑन होल्ड राइट नाउ, लेट्स सी व्हाट ऑप्शन डी एंड ई
have in store for us. ओके डी अमला शुड रिक्वेस्ट हर मेंटर, ओ भैया दूसरा प्रोजेक्ट दे दो। भाई साहब ये क्या दादागिरी हुई, ये बी वेरी हॉरेबल, नॉट टू बी डन। यार 8 8 हफ्ते की इंटर्नशिप है आपकी, 2 महीने की, उसमें दूसरे हफ्ते में ऐसे तेवर दिखाएंगे आप, यू विल थ्रो सच टैंट्रम्स, ओ सर ये प्रोजेक्ट आपने दिया ना मुझे नहीं आता है, चलो दूसरा दे दो। नो नो नो, ऐसी बातें नहीं होती। रादर व्हाट इज रिकमेंडेड एज आई मेंशनड कपल ऑफ मिनट्स अगो, अगर आपको दिए गए प्रोजेक्ट पे आपका कमांड नहीं है बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज यू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, यू स्टार्ट लर्निंग दैट सब्जेक्ट ऑल ओवर अगेन एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग। अगर वो करने के बाद में भी अगर बात नहीं बन रही है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट यार प्लीज थोड़ा सा प्रोजेक्ट चेंज कर दिया जाए, ये हो। बट इवन दैट इज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ ड्यू कंसिडरेशन, आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम हैज पास्ड। यहाँ पर तो आपके पास टाइम है ही 8 हफ्ते, तो नॉट नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट एट ऑल अ गुड रिफ्लेक्शन। एंड ऑप्शन ई तो उससे भी घटिया, रिजेक्ट एट द आउटसेट इमीडिएटली। इसमें क्या बोला है कि आप खुद ही मनमानी कर रहे हो यहाँ पे कि चलो चलो मैं तो ये काम नहीं करने वाली, खुद का ही एक प्रोजेक्ट स्टेटमेंट उठा के लेके आओ और मेंटर को कन्विंस करो, अरे सर ये मेरा प्रोजेक्ट देखो ये मैं करूंगी। डूड व्हाट आर यू डूइंग, कौन से दुनिया में जी रहे हो आप, कंपनी को उस चीज का काम है नहीं है आपको कैसे पता। और आप इतने बड़े कंपनी को सिर्फ 1 हफ्ते के ही इसके अंदर में आप इतना डिसीजन बना रहे हो कि अच्छा कंपनी शुड डू सो एंड सो प्रोजेक्ट, दिस इज सम रियली बुलशिट गॉड लेवल कॉम्प्लेक्स है ये कुछ, तो इमीडिएटली आउट होता है। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद, यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी एज द मोस्ट रीजनेबल ऑप्शन। ठीक है, ऑफकोर्स देर इज द चांस कि मेंटोर आपका नाराज हो जब आप उसको ये बात बताओ, बट ठीक है चलता है, सच शॉर्टकमिंग्स कैन बी वर्क, एटलीस्ट इट इज नॉट अनएथिकल, इट इज नॉट डैमेजिंग एनीबडी एकदम से। इट इज पॉसिबल दैट द मेंटोर माइट स्कोल्ड यू बट ऑल्सो ऑफर यू द वे अहेड कि अच्छा ठीक है इससे बात करो, इसकी हेल्प लो, ये किताबें पढ़ लो, ये मटेरियल देख लो, सो ऑन सो। ठीक है, तो चलो दिस इज हाउ वी हैंडल दिस सिचुएशन, लेट्स सी व्हाट द सेकेंड क्वेश्चन इज। चलो अब अमला का तो सिचुएशन हमारा हो गया था क्वेश्चन वन में, अब बात आई है विंध्या के ऊपर। विंध्या, व्हाट इज विंध्या फेसिंग, विंध्या के सामने बड़ा सा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेट्स सी व्हाट इट इज। इसे काम दिया गया है कि आप ना एम्प्लॉयज से बात और उनका फीडबैक लो कि कंपनी की जो एचआर पॉलिसीज है उसके बारे में एम्प्लॉयज क्या फील करते हैं। चलो ठीक है, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट एंड ट्राइड प्योर, बट उसके मेंटोर में थोड़ी गुगली फेंकी है रास्ते में। अब मेंटोर इज सेइंग कि नहीं यार देख एक काम करना यार, प्लीज आप पुअर परफॉर्मर से बात मत करो, क्योंकि पुअर परफॉर्मर्स खुद से तो कुछ होता जाता है नहीं, ये करेंगे चुगली, ये करेंगे गालियां देंगे कंपनी के नाम से। तो मेंटोर कहता है ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी ना, द पॉलिसीज माइट बी डिसेंट इनफ बट बिकॉज द गाइज आर पुअर देमसेल्फ, पुअर परफॉर्मर्स देमसेल्फ, ये कंपनी को बेमतलब गाली देंगे, सो वी विल गेट रॉन्ग फीडबैक। सो व्हाट द मेंटोर इज सेइंग इज कि आप ना मैं आपको सिलेक्टेड लिस्ट देता हूँ उन लोगों से ही आप बात। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाइसी नहीं हो गया सिचुएशन, ये भी तो अनएथिकल है इन अ वे कि यू आर चेरी पिकिंग कैंडिडेट्स टू गेट फीडबैक फ्रॉम। ठीक है, द मेंटर इज क्लियर कट सेइंग कि मेरे ऑफिस में जो ढूंढ कर बताऊंगा उन लोगों से बात, तो ये भी कोई बहुत ठीक बात नहीं है। सो विंध्या इज इन द मिडल ऑफ अ प्रॉपर धर्म संकट हियर, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। व्हाट विल विंध्या डू नाउ, विंध्या के सामने अभी क्या क्या ऑप्शंस है वो देखते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल बेस्ट एनेबल विंध्या, गोल देखो, गोल ध्यान से पढ़ना है आपको कि उसे कंप्लीट पिक्चर देना है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो विंध्या इन दिस केस कैन नॉट गो बाय हर मेंटर्स डायरेक्टिव पूरी तरीके से ब्लाइंडली कि हाँ बॉस ने बोला जैसा बोला है वैसे ही करते हैं, नहीं हमें ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेटर गुड के लिए काम करें, कंप्लीट पिक्चर देने की कोशिश करें। ठीक है, सो कीपिंग दिस दिस गोल इन माइंड, वेरी वेरी स्पेसिफिक, ऑप्शन डी गेट्स रिजेक्टेड एट द आउटसेट, क्योंकि क्या कहा है यहाँ पे कि अपने मेंटोर के सजेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लो, खुद का दिमाग कुछ मत लगाओ, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है चलो डी तो आउट हो गया, ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए कहता है विंध्या शुड इग्नोर हर मेंटोर्स डायरेक्टिव, कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल बट कंपाइल रिपोर्ट्स सेपरेटली। इसका जो सेकेंड हाफ है ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, सब लोगों से डेटा करा कलेक्ट करो फिर गुड परफॉर्मेंस बैड परफॉर्मेंस के अलग बनाओ, सो दैट एनालिसिस थोड़ा सा अच्छे से किया जा सके बाद में, मे बी इफ देर आर इनहेरेंट बायसेस एज द मेंटोर सस्पेक्ट्स तो वो बायसेस क्लियरली विजिबल हो जाएंगे फिर। एकदम सही है, एकदम मस्त है ये ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रैग्मेटिक दिक्कत है, और वो दिक्कत है कि
आप अपने मेंटोर के एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस का उल्लंघन कर रहे हो। दिस इज एन इनविटेशन टू ट्रबल, ये बातें नहीं है। ठीक है, आपके मेंटोर ने आपको कोई बात बोली है, ऑफ कोर्स इट इज अ बिट शेडी, लेकिन आप भी इक्वली शेडी, इक्वली दबंग नहीं हो सकते। स्टेप्स लाइक दिस वर्क वेल इन मूवीज, मूवी स्क्रिप्ट। ठीक है, कि हीरो को कुछ काम बोला, हीरो बोल रहा है भाई भाड़ में जाओ, मैं मेरी दिल की बात सुनूंगा और वैसे करूंगा, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, सो वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक, वी कैन नॉट बी सो बोल्ड, सो डिसमिसिव ऑफ आर सीनियर्स इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ऐसा सच में हो सकता है दैट द मेंटर इज करेक्ट, कि पुअर परफॉर्मर्स विल गिव इनकरेक्ट फीडबैक, रॉन्ग बातें, जिसके साथ में फिर एंगेज होकर ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ही होना है। सो वी कैन रिजेक्ट दिस ऑप्शन ए, क्योंकि ये भी एक तरफा ही है पूरा का। इन वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक दिस, इन सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक दिस, व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इज वॉक द मिडिल पाथ। ठीक है, आपको बराबर बीच का रास्ता ढूंढ निकालना है। एक तरफ आपके टीम ए रह सकती है जो कुछ बात बोल रही है, अपोजिट टीम बी बोल सकती है, ये खुद का गुंडा गा रहे हैं। यू डू नॉट हैव टू साइड विथ एनीबडी, यू हैव टू फाइंड द मिडिल पाथ एंड देन मूव अहेड। सो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। जो विन्या का गोल है कंपनी को पूरा पूरा पिक्चर मिले, और दूसरे तरफ मेंटोर का गोल है कि नहीं आप सिर्फ एक तरफा ही सर्वे करो। तो विन्या हैज टू वॉक द रोप प्रॉपरली। ए और डी दोनों भी एक तरफा है, एंड डी शी इज ब्लाइंडली फॉलोइंग हर मेंटोर, एंड इन ए शी इज ब्लाइंडली रिजेक्टिंग हर मेंटोर, बोथ आर बैड। ओके, फिर आते हैं ऑप्शन बी, विंध्या शुड रिक्वेस्ट द एचआर हेड टू अलॉट हर अनदर मेंटर विदाउट इवन गिविंग द रीजन। ये भी तो नेक्स्ट लेवल दादागिरी होगी। ओके, वेरी वेरी अनरीजनेबल ऑप्शन, कि आप एचआर के पास जाके प्रोजेक्ट चेंज तो मांग ही रहे हो, प्रोजेक्ट चेंज नहीं, माई बैड, मेंटोर ही दूसरा मांग रहे हो, और रीजन भी नहीं बताना आपको। वो इज द एचआर हेड क्रेजी, इज द एचआर हेड स्टूपिड? आपको सबसे पहले वो ये रीजन पूछेगा कि क्यों ऐसा, दिस इज सच अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, तो नॉट नॉट ओके। इतना एक तरफा नहीं चलती बातें, आउट। ओके, अगर मेंटोर ने कुछ हॉरिबल भी चीज कर ले रही होती ना, फॉर एग्जाम्पल इवन व्हेन योर सुपीरियर्स एंगेज इन सीरियस केसेस ऑफ लेट अस से वर्क प्लेस हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन, उस सिचुएशन में भी यू हैव टू डिस्क्लोज द रीजन टू द एचआर, कि अगर आपको कंपनी क्विट करनी है या फिर आपको डिपार्टमेंट चेंज चाहिए, बॉस में चेंज चाहिए, यू हैव टू रिवील दीज रीजंस इतने सीवियर सिचुएशंस में। तो यहाँ पर तो इतना कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप ऐसी दादागिरी नहीं लगा सकती कि मैं तो कारण ही नहीं बताऊंगी। ओके, अब आते हैं ऑप्शन सी एंड ई। ई के ऊपर जाएंगे, लेट मी जंप द गन अ लिटिल बिट। विंध्या शुड रिपोर्ट दिस रिस्टेंट टू एचआर हेड रिक्वेस्टिंग इमीडिएट इंटरवेंशन इन द प्रोजेक्ट। ये भी ठीक बात नहीं है, व्हाट यू आर डूइंग इज इन्वॉल्विंग अदर्स, अनसॉलिसिटेड इन्वॉल्वमेंट। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो यू शुड डू वन थिंग, कि बिफोर गोइंग टू द एचआर आपके मेंटोर से ही आप थोड़ा सा निगोशिएट करने की कोशिश करो, कि सर मैम व्हाट एवर आप जो बोल रहे हो ये ठीक बात नहीं है। ओके, दिस इज गोइंग टू पेंट अ वेरी बायस्ड पिक्चर इन माई रिपोर्ट, आई वॉन्ट टू गिव अ कंप्लीट पिक्चर, दिस इज एट ऑड्स विथ माई एथिक्स, तो प्लीज लेट्स ट्राई टू वर्क आउट समथिंग इन। आप ऐसे भागते हुए एचआर के पास में जाओगे तो दिस इज इक्वलेंट ऑफ यू, बच्चे जब खेलते हैं ना ग्राउंड पे और किसी ने किसी दूसरे को मार दिया, वो रोते हुए जा रहा है घर पे कंप्लेंट करते। ठीक है, तो सच सिचुएशंस आर नॉट अप्रोप्रिएट इन द वर्क प्लेस, यू ऑल्सो गेट्स किक्ड आउट। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? ऑप्शन सी। वन थिंग आई विल कन्फेस स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये फर्स्ट रीडिंग पे मुझे भी पसंद नहीं आया था, बट वो कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न कुछ नहीं होता जिंदगी में, सबको सब कुछ नहीं मिलता, वैसा है भाई यहाँ पे। पांचों ऑप्शन सर्वगुण संपन्न एक भी नहीं है, यू हैव टू गो विद द वन विच इज द लीस्ट घटिया। ओके, द लीस्ट घटिया क्या है? ऑप्शन सी, कि विंध्या मान रही है अपने मेंटोर की बात, शी मीट्स ओनली दोज विच द मेंटोर सेंड्स टू हर, लेकिन उनको पूछ रही है उन चार पांच अच्छे 10 20 जो भी अच्छे एम्प्लॉयज है, कि यार बाकियों के बारे में आप थोड़ा सा बता दो। सो ऑफकोर्स द सिचुएशन, द इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग टू कम इन हर हैंड is going to be pretty much second hand info। ठीक है, कि समझ लो एक अच्छा परफॉर्मर किसी खराब वाले की मानसिकता बता रहा है आपको आके, या फिर सेकेंड हैंड फीडबैक मिलने वाला है आपको, फिर भी दिस इज ओके, एटलीस्ट यू आर नॉट वायलेटिंग कंप्लीटली योर मेंटर्स डायरेक्टिव, नॉर आर यू ब्लाइंडली फॉलोइंग। कुछ
कुछ तो ओकेश टाइप सा मिडिल पाथ पे है, ठीक है। अब इसके आगे हाउ गुड द रिपोर्ट इज गोइंग टू कम आउट रिमेन्स क्वेश्चनेबल, बट एटलीस्ट इन दिस सिचुएशन काम बंद हो रहा है, थोड़ा वक्त तो भी हो रहा है, इवन दो नॉट द बेस्ट वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो आउट ऑफ द गिवन फाइव सिचुएशंस दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन कम अप विद, मे बी बेटर सिचुएशंस कैन बी यू नो बेटर सॉल्यूशंस कैन बी कम अप विद इन द रियल वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे दैट फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू अस एंड हेंस ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। तो चलो आई होप दैट यू गॉट द सिचुएशन, गॉट द आंसर करेक्ट। लेट्स लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। ऑल्सो इफ यू हैव नॉट येट हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, प्लीज डू इट ए एस ए पी एंड सब एंड 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 यूज योर सुपर पावर एज अ व्यूअर, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन नाउ शबनम। ओके, विंध्या का एक प्रॉब्लम हो गया, अमला का एक प्रॉब्लम हो गया, शबनम को भी लाइफ में प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? शी इज वर्किंग ऑन इवेल्युएटिंग सेल्स वाले टीम का वर्क लाइफ बैलेंस, और उसने कुछ डेटा कलेक्ट किया है। बिफोर गोइंग थ्रू दिस फाइव सेंटेंसेस लेट्स इवेल्युएट व्हाट द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शबनम के मन में चल रहा है कि यार ये जो बंदे ट्रैवल कर रहे हैं, सेल्स टीम वाले लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही हो रहा है ट्रैवल। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके, मुझे तो ये जब मैंने पढ़ा मुझे थोड़ा सा ये ठीक नहीं लगा, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर स्ट्रॉन्गर वर्ड विच आई के नॉट यूज ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक दिस, बट शबनम का ये थॉट प्रोसेस सुनने के बाद आई वाज लाइक भाई डूड तुमको हुआ ही कितना टाइम है कंपनी में, एंड यू आर ऑलरेडी जजिंग पीपल सो मच। एनीवे क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प हर सब्सटैंशिएट हर थिंकिंग। नाउ कीप इन माइंड ऑल्दो दे हैव हाइलाइटेड द वर्ड बेस्ट इन कैप्स, योर फोकस शुड बी इन माई ओपिनियन योर फोकस शुड एक्चुअली बी ऑन दिस वर्ड सब्सटैंशिएट हर थिंकिंग। नाउ सब्सटैंशिएट का मीनिंग कुछ लोग गलत समझ लेते हैं, दे थिंक दैट सब्सटैंशिएट इक्वल्स वैलिडेशन विच दे बिलीव टू बी इक्वल टू प्रूफ, करेक्ट प्रूफ ऑफ थिंकिंग, ऐसी बात है, ठीक है। सब्सटैंशिएट का मतलब क्या होता है कि आप मीनिंगफुल टैंजिबल प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, विच विल आइदर स्ट्रेंथन योर थॉट प्रोसेस, विच विल आइदर स्ट्रेंथन योर हाइपोथेसिस, और कंक्लूसिवली प्रूफ टू यू कि नहीं आप गलत सोच रहे हो, सिचुएशन इज द अपोजिट, ठीक है। दोनों भी केसेस में वी कैन कॉल इट एज सब्सटैंशिएटिंग अ थिंग, आइदर विद सॉलिड प्रूफ सॉलिड नंबर्स यू आर गोइंग टू स्टैंड करेक्ट और यू आर गोइंग टू स्टैंड निगेटेड, ठीक है। तो इसे कहते हैं सब्सटैंशिएट योर थिंकिंग। ओके, नाउ रीचिंग आउट इन टू द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन एंड मैकेनिज्म बाई विच वी आर गोइंग टू इवेल्युएट इट, दिस इज वेयर नंबर स्टार्ट कमिंग, कि आपको अभी सिचुएशन देखना है क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल इज हायर देन रिक्वायर्ड, इज इट समथिंग डॉक्यूमेंटेड, इज इट समथिंग प्रूवन, नो दिस इज समथिंग दैट शबनम जस्ट थिंक्स, उसे लग रहा है बस, ठीक है, और उसके गट फीलिंग के हिसाब से थोड़ी डिसीजन लिए जाएंगे। दिस इज वेयर नंबर्स कम इन, दिस इज वेयर टेंजिबल पैरामीटर्स कम इन, समथिंग दैट यू कैन मेजर एंड देन से कि हाँ यार शबनम जो कह रही थी ये बात तो शायद सच है, लोग जरूरत से ज्यादा ट्रैवल करते हैं। तो जब आपको ये प्रूव करना होगा तो आपको नंबर्स देने होंगे ना। तो अब देखते हैं इन पांच गिवन सेंटेंसेस में टैंजिबल ऑप्शंस कौन से, मेजरेबल क्राइटेरिया कहाँ पर बनता है। तो लेट अस टेक अ लुक एट सेंटेंस वन। व्हाट डज वन से, बार बार मिलने से रिलेशनशिप विद की कस्टमर्स गेट स्ट्रेंथन। ओके, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, कैन यू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप? नो नॉट रियली, और खास करके वेदर द रिलेशनशिप इज स्ट्रेंथनिंग विथ ईच मीटिंग, विथ 4, 5, 10 मीटिंग ग्रेजुअली स्ट्रेंथन होती जा रही है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मेजर इट यूजिंग एनी काइंड ऑफ नंबर्स, यू कैन नॉट क्रॉस चेक इट विथ एनी काइंड ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो सेंटेंस वन जो है, इवन इफ इट इज ट्रू दिस इज नॉट मेजरेबल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई सेल्समैन ये कहता है कि नहीं मेरी जो ट्रैवलिंग की फ्रीक्वेंसी है, मैं 6 महीने में 10 बार अगर गया हूँ कोई कस्टमर से मिलने के लिए, तो दैट इज स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप विद दैट कस्टमर 100% कर ही रहा है, गारंटी नहीं दे सकता ना वो सेल्समैन 100% गारंटी दे सकता है इस सिचुएशन की। और अगर समझो शबनम इसका अपोजिट व्यू ले रही है कि भाई तुम कुछ ज्यादा ही ट्रैवल कर रहे हो, उस कस्टमर से 10 बार मिलने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार में हो जाएगा, तो शबनम भी 100% गारंटी नहीं ले सकती तुम्हारी ओपिनियन का। ओके, सो
तो दिस थिंग इज नॉट मेजरेबल कि हाउ मेनी मीटिंग्स एक्चुअली अमाउंट टू इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स एंड हाउ मेनी मीटिंग्स आर एक्चुअली जस्ट रिडंड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है दैट इफ द सेल्स गाय इज मीटिंग द कस्टमर 10 टाइम्स, जो काम 10 मीटिंग में हो रहा है शायद 5 में भी हो सकता हो, रिमेनिंग 5 आर रिडंडेंट। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है दैट द कस्टमर इज समबडी हु लाइक्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, सो ही इज वेरी हैप्पी कि अरे यार चलो इस कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव मुझसे 10 बार मिल रहा है, द कस्टमर का ईगो इज गोइंग अप, गेटिंग सेटिस्फाइड, ये भी तो बात हो सकती है। तो थिंग इज प्रिटी अनक्लियर, इट्स नॉट मेजरेबल, तो वी विल मूव टू द सेकेंड सेंटेंस नाउ। ओके, सेकेंड सेंटेंस थोड़ा लाफेबल है, क्या कहता है, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव भाई सिंगल है, इनको कोई बाल बच्चे नहीं है, कोई बीवी बच्चे नहीं है, तो घूम रहे हैं भाई ये बिंदास लाइफ में, कोई पर्सनल लाइफ पे इंपैक्ट नहीं हो रहा है, बिंदास घूम सकते हैं। तो ये भी चीज बिल्कुल भी मेजरेबल नहीं है, क्योंकि पर्सनल लाइफ को मेजर कैसे करेंगे आप, राइट? अगर कोई इंसान मैरिड होता है तो चलो मे बी वन मैट्रिक कैन बी कि हाउ मच टाइम दैट गाय इज एट होम एंड हाउ मच टाइम दैट गाय इज एट हिज वर्क प्लेस, उस पर से शायद थोड़ा सा हम जजमेंट लगा सकते हैं अबाउट द क्वालिटी एंड एक्सटेंट ऑफ पर्सनल लाइफ, अबाउट द एक्सटेंट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल। बट वेन यू से कि भाई घर पे कोई है नहीं, तो इसके पर्सनल लाइफ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं गिर रहा है, ये थोड़ा सा एमेच्योरिश इमेच्योर टाइप स्टेटमेंट हो गया कि मेकिंग वेरी ब्रॉड सपोजिशंस, केस टू केस बेसिस पे भी तो बात हो सकती है, एंड एज आई सेड इट्स नॉट मेजरेबल। ठीक है, समथिंग वंस अगेन काफी काफी एब्स्ट्रैक्ट है, काफी इनटैंजिबल, तो 1 एंड 2 फिलहाल के लिए नॉट गुड कैंडिडेट्स फॉर शबनम, दे आर नाइदर हेल्पिंग हर इवैल्यूएट द सिचुएशन, आइदर करेक्ट या आइदर रॉन्ग, नहीं समझ रहा है। 3 देखते हैं, ट्रैवल एनहांसेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव क्योंकि उनकी फिक्स सैलरीज आर लो, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, फाइनली समथिंग टैंजिबल, फाइनली समथिंग मेजरेबल कमिंग इन टू द पिक्चर। क्या बोला है, फाइनेंशियल हेल्थ, तो आप मेजर कर सकते हो ना कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव, पकड़ के चलो एग्जीक्यूटिव है आपके सामने ए एंड यू हैव एग्जीक्यूटिव बी, दिस गाय इज ट्रेवलिंग 10 टाइम्स इन 6 मंथ्स, दिस गाय इज ट्रेवलिंग ओनली 5 टाइम्स इन 6 मंथ्स, तो इफ इफ इट कम्स आउट दैट द अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ गेन्स विथ एग्जीक्यूटिव ए इज हायर एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव बी, तो फिर स्टेटमेंट 3 स्टैंड वैलिडेटेड कि हाँ जी देर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन ट्रैवलिंग एंड अर्निंग मोर, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है दैट इट इज पॉसिबल दैट शबनम कैन टेक अ लुक एट डेटा एंड देन सी कि अरे नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, दोनों का अर्निंग्स तो सेम है, सो एजेंट ए एग्जीक्यूटिव ए जो इतना ज्यादा ट्रैवल कर रहा है ये बुरी बात है, सो शबनम की जो गट फीलिंग है दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल इज मच मोर देन व्हाट इट शुड बी दैट विल स्टैंड इंडिकेटेड, शी विल स्टैंड करेक्ट। बट अगर इसका पहला सिचुएशन हो गया दैट ए अर्निंग मोर देन बी, तो फिर ये भी बात हो जाएगी कि शबनम गलत सोच रही है। आइदर वे वी विल हैव प्रॉपर नंबर्स बिफोर अस टू प्रूव वन साइड रॉन्ग एंड टू प्रूव द अदर साइड करेक्ट। ओके, सो यस 3 इज अ वेरी गुड कैंडिडेट एट हैंड, नाउ लेट्स गो टेक अ लुक एट द फोर्थ सेंटेंस, व्हाट डज इट से, फ्रीक्वेंट ट्रैवल नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मार्केट बजट क्योंकि सेल्स में बहुत जबरदस्त पैसा बन चुका है, तो वॉट एवर ट्रैवल का खर्चा, वॉट एवर जो भी ट्रैवलिंग से खर्चा कर रहे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव दैट इज वेरी मिनिस्क्यूल, मे बी 1-3% ऑफ ओवरऑल अर्निंग, डजंट मैटर, 100 रुपए में 1-2 रुपए घूमे तो क्या गम है, राइट? सो वंस अगेन दिस इज ऑल्सो प्रिटी मच टैंजिबल, प्रिटी मच मेजरेबल। ठीक है, कि आप पूरा पूरा सेल्स मार्जिन्स नंबर्स प्रोसेस करो कि कितना कमाई हो रही है, 100 करोड़, 500 करोड़, वॉट एवर, और सेल्स एग्जीक्यूटिव कितना ब्लो कर रहे हैं खुद के ट्रैवल पे, इफ इट टर्न्स आउट कि हाँ जी इतना दुनिया भर का ट्रैवल करने के बावजूद भी इफ दे आर स्पेंडिंग ओनली लेट से 5-10 लाख रुपए, डजेंट मैटर ना, 500 करोड़ की कमाई है। ठीक है, सो एनी वे आइदर शबनम विल स्टैंड विंडिकेटेड और शी विल स्टैंड करेक्टेड, शी विल बी प्रूवन रॉन्ग। वेरी गुड वेरी गुड कैंडिडेट 3 एंड 4, एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट 5 व्हिच नेचुरली हैज टू बिकम द आंसर। क्या कहता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैव द ऑटोनॉमी टू डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर ट्रैवल, ये भी तो चीज हम देख सकते हैं कि कौन सा एग्जीक्यूटिव कितना ट्रैवल कर रहा है, यू कैन टेक अ लुक एट द नंबर्स ऑफ देयर विजिट टू द कस्टमर्स, 5 टाइम्स इन 6 मंथ्स, 10 टाइम्स इन 6 मंथ्स, ऑल द ईयर राउंड, वॉट नंबर्स दे आर पोस्टिंग, कितना किसने सेल्स कर पाया है, हाउ मच दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर कमीशन,
everything can be checked. And secondly, given that these guys have been given the autonomy to decide इनको travel करना है, तो कहीं ना कहीं then who are you exactly to say कि भाई तुम जरूरत से ज्यादा travel कर. ऐसा भी हो सकता है that everybody is traveling as per their temperament, as per their requirement regarding earnings. ऐसा हो सकता है कोई कोई सेल्समैन के अंदर ज्यादा ड्राइव है, शायद उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो ही इज एक्चुअली गोइंग आउट मोर एंड गेटिंग मोर मनी. समबडी डजंट वॉन्ट टू डू सो मच, तो दे आर ट्रेवलिंग थोड़ा सा कम. ओके, तो द सिचुएशन कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो स्टेटमेंट 5 इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू इवेल्युएट शब्दम का थॉट प्रोसेस. तो आइडियली वॉट इज द आंसर नाउ? आंसर विल बी ऑप्शन ई. 3, 4 एंड 5 विल हेल्प अस इवेल्युएट, विल हेल्प अस चेक कि शबनम जो सोच रही है ये सही है या गलत. ओके, आई लाइक दिस क्वेश्चन अ लॉट कंपेयर टू द अदर टू, एंड आई होप दैट यू गाइस गॉट इट करेक्ट. लेट मी नो इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन 1 टू 3. आई हैड अ गुड टाइम सॉल्विंग दिस सेट, आई होप दैट यू डिड टू. एंड इफ यू लाइक द कॉन्टेंट, प्लीज 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 हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन्स. ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर ZAT prep, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर.